नमस्कार, आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस बात की चर्चा तेज है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा सांसद ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के इस दौरे को निजी बताया है। सांसद ललन सिंह ने सोमवार को ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा निजी है और वह अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री के इस दौरे का कोई लेना देना नहीं है। ललन सिंह के इस बयान के बाद नीतीश के दिल्ली दौरे पर सस्पेंस और बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सोमवार को फिर यही बात कही थी कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जेडीयू को उसमें शामिल किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी? क्या उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। अगर सब कुछ अंदर खाने में तय है तो नीतीश दिल्ली पहुंचने पर इन नेताओं से मिल सकते हैं, लेकिन अगर वाकई मुलाकात नहीं होती है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस फिलहाल जारी रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।